पता नहीं कौन है। हेलो। हेलो सर, मैं पवन बोल रहा हूँ। क्या काम है? कुछ नहीं सर, आपको बस ये पूछना था कि आपने जो कॉन्डम ऑर्डर किया था ना, वो यूज किया क्या? ये ड्यूरेक्स वाले फीडबैक कॉल कब से करने लगे, और वो भी रात के 2 बजे? अरे सर, मैं पवन मेडिकल से पवन बोल रहा हूँ। आपने कल जो हमारे यहाँ से 3-4 पैकेट ऑर्डर किए थे ना, वो यूज किए क्या? तेरे को क्या करना है, हवा भरनी है उसमें पवन देव? सर उसमें हवा भी नहीं भर सकते, लीक हो जाएगी। क्या? हाँ सर, वो क्या है ना, कल हमें मेडिकल में बहुत सारे पैकेट्स मिले जिसको चूहों ने काट दिया था। हाँ? तो हमें लगता है कि गलती से हमने कुछ पैकेट्स आपको डिलीवर कर दिए। क्या मतलब, तूने मुझे फटे हुए कॉन्डम भेजे? हाँ सर, शायद नहीं भी। अबे तेरे शायद में मुझे 98% हाँ दिखाई दे रहा है बे। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं, स्पीकर पे डालो फोन। कौन है? मैं मेडिकल वाला बोल रहा हूँ। शायद कल हमने आपको गलती से फटे हुए कॉन्डम के पैकेट भेजे। क्या? हाय राम, पहले से 2 बच्चे पाल रही हूँ, अब तीसरा बच्चा भी पालना पड़ेगा। कैसा नाम और पति मिला है मेरे को, एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं होता। अब मैंने क्या किया है, मेडिकल वालों की गलती है, उनके वजह से फटा है। पापा पापा, क्या फट गया? पापा छाता, छाता फट गया जो ऑर्डर किया था। लेकिन पापा गर्मी में छाता? मैं शॉवर के नीचे बैठ के चेतन भगत पढ़ता हूँ, तुझे क्या पंचाते? पापा पापा, मुझे वो फटा हुआ छाता दो ना। क्यों? मैं उसमें ना घर घर खेलूंगा। अबे जिस चीज के अंदर से कुछ बाहर आता है तो लोगों के घर उजड़ जाते हैं, तुझे फिर से उसके अंदर जाना है। मतलब तू फटे कंडम की पैदाइश है, और तू, मैं बड़ी मन्नत से आया हूँ इसीलिए इस घर में मेरे से कोई प्यार नहीं करता। चुप, ये लॉकडाउन में घर का आधा राशन तो तू ही खा जाता है, मेरे को बाहर जाके पिछवाड़े पे पुलिस के डंडे खाने पड़ते। और तू मन्नत, तेरा तो हमें अभी तक पता नहीं कि हुआ कैसे। जाओ बेडरूम में सो जाओ। ए तू क्या हंस रहा है, मैं कल सुबह उठ के पहले केस ठोकूंगा तुम लोगों पे। सर आप शांत हो जाओ, मैं आपको पैकेट रिप्लेस करके देता हूँ, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। अबे तेरी डिलीवरी छोड़, ये जो 9 महीने की बिन बुलाई डिलीवरी होगी उसका क्या? सर हम आपको ऑफर में डायपर का पैकेट देंगे, उसको बच्चा आने के बाद यूज कर लेना। क्या? उसके साथ जॉनसन ऑयल भी फ्री देंगे। और वही जॉनसन ऑयल से मैं तेरी गांड मारूंगा। सर अब हम इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं आपके लिए, और पैकेट मंगवाने हैं क्या? तू मार खाएगा क्या? शराफत से पूछ रहा हूँ मैं। अबे शराफत तुझे देख के बुरखा पहन लेती है। मंगवाने हैं तो वो प्रेगनेंसी रोकने वाले पिल्स मंगवा। अच्छा क्या नाम था? हाँ, एक पैकेट कॉन्स्टिपेशन रोकने का गोली देना। सर आप पहले ये डिसाइड करिए कि आपको आपकी बीवी के अनवांटेड प्रेगनेंसी रुकानी है या अनवांटेड जुलाब। क्या ये जुलाब कहाँ से आया बीच में? सर कॉन्स्टिपेशन मतलब जुलाब होता है। अभी बोल बोल ना, मेरे अंग्रेजी का ईगो हर्ट नहीं करने का, बोल। प्रेगनेंसी रोकने के गोली का नाम क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या गेम खेल के बच्चा रोकेगा? अरे सर काउंटर स्ट्राइक नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है वो। हाँ तो समझाना तेरे को, भेज जल्दी। सर वो तो खत्म हो गई। क्या कैसे? हाँ सर, और आपको आजू बाजू के किसी मेडिकल में भी नहीं मिलेगी, और नया स्टॉक लॉकडाउन के वजह से नहीं आ पा रहा। क्या सारे हवस के पुजारी भरे पड़े मोहल्ले में? सर क्या शराफत नजर आती है आपके बातों में। हाँ ना, तेरी तो मैं शराफत से लूंगा। रख फोन, अब क्या करे? अब क्या, अभी 9 महीने के लिए मैं बेड पे सोऊंगी, तू जमीन पे सोएगा। ए गांडू, तूने फोन नहीं रखा अभी तक? सर आप जमीन पे सोएंगे तो चूहे मारने की दवाई भेज दूं? अबे तेरे पास चूहे मारने की दवाई थी तो इस्तेमाल क्यों नहीं की? सर हम करते थे इस्तेमाल पहले, फिर वो खत्म हो गई, अब हम उसमें पानी डाल के बेचते। क्या लोगों को पता नहीं चलता क्या? सर आपको किधर पता चला, हम आपको इतने सालों से फटे हुए कॉन्डम बेच रहे हैं। क्या बोला? कुछ नहीं सर, रामू दुकान बंद कर दे, हम गाँव जा रहे। तो मेडिकल वाले निकले भड़वे, पर्च लग गए लौड़े। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। I have you now.